हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्ट वन का वीडियो दोस्तों, कंसील वायरिंग का। दोस्तों कंसील वायरिंग का वीडियो में पार्ट वन में बताया हूँ दोस्तों, डायवर्टर के लिए बॉडी गेट कैसे फिट किया जाता है इसके बारे में। तो मैं भी इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाथरूम में जो है दोस्तों टाइल्स लग चुका है। अब जो इसका मैं दोस्तों अपर पार्ट लगाऊँगा सब में, बॉडी गेट शावर का यहाँ पर। तो सबसे पहले सबका ये सब जो है बॉडी गेट शावर का लॉन्ग बुच खोल लेते हैं, और यहाँ पर इसका डायवर्टर का प्लेट भी इसको खोल लेते हैं, ऊपर का कवर। तो दोस्तों पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको पानी भी चालू करके बताऊंगा इसमें, बॉडी का पानी का प्रेशर कितना आता है सब टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये सब आप देख सकते हो दोस्तों, ये बॉडी शावर, यहाँ पे चार बॉडी शावर मुझे लगाना है इसके लिए। तो यहाँ पर ये चार बॉडी शावर आप देख सकते हो, ओपन बॉडी शावर। और तो सबसे पहले यहाँ पर इसका दोस्तों स्पाउट लगा देते हैं, यहाँ पर नीचे का स्पाउट को टेबलेट देकर मैं लगा देता हूं। और मैं आपको एक एक जो है बॉडी शावर को लगा के अंत में आपको पानी भी चालू करके बताऊंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जगुआर का है, तो इसको मैं लगा दिया हूं। अब यहां पे इसका दोस्तों थ्री वे जो डायवर्टर उसका अपर पार्ट इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको देख लेता हूँ सबसे पहले खोल कर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वाला है प्लेट, और उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों दोस्तों इसका हेड, ऑपरेट करने वाला हेड, और एक एलिंग की भी सबसे पहले निकाला हूँ इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले इसमें प्लेट को मैं लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें बॉडी ऑलरेडी लगा हुआ था। तो यहाँ पे इसको प्लेट को जस्ट मुझे पुश कर देना है यहाँ पे, क्योंकि वाशर अंदर रहता है इसका। और उसके बाद में एलिंग की देकर नीचे का ये दोस्तों ऑपरेट करने वाला हेड को मैं लगा देता हूँ यहाँ से। इससे क्या है दोस्तों, हॉट एंड कोल्ड वाटर जो है यहाँ से ऑपरेट होता है, और साथ ही साथ स्पॉट भी। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका ऊपर का जो है थ्री वे बटन इसको मैं लगा देता हूँ दोस्तों। इसको लगाने से पहले इसका जो है प्लास्टिक का सबसे पहले इसको निकाल कर यहाँ पे लगाना है। तो इसको मैं स्क्रू ड्राइवर से सबसे पहले इसका प्लास्टिक को कंसील बॉडी के साथ में दोस्तों अटैच कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर एलिंकी को खोल कर इसमें लगाऊँगा। तो ऊपर वाला दोस्तों बॉडी है, इसमें से क्या है ये तीन आउटलेट वाला सिस्टम है, तो यहाँ से ऑपरेट होगा। और उसके बाद में ये सब आप देख सकते हो दोस्तों बॉडी शावर, इसको मैं एक एक करके आपको लगा के बताता हूँ यहाँ पे। तो ये चार बॉडी शावर लगाने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बॉडी शावर के अंदर दोस्तों वाशर रहता है एक इसका, और इसके साथ में इसका ये निपल रहता है, एक्स्ट्रा निपल रहता है। आप इसको काट भी सकते हो ज़रूरत पड़ने पर, अगर आपका कम ज़्यादा होता है तो कंसील में, क्योंकि ब्रासल वो जो होता है कभी कदर अंदर बाहर होता है, तो उसको आप काट भी सकते हो या फिर उसमें से एक्स्ट्रा निपल भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले फ्लांज के बाद में इसको लगाकर एक इंच का एक निपल लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नाप के देखने पर सबसे पहले आपको सैंपल में लगा के देखना है कितना अंदर बाहर आ रहा है, और निपल भी अगर लग सकता है तो आपको लगा देना। जैसे मैं यहाँ पर लगाया हूँ, एक इंच का एक निपल भी आ रहा है उसके साथ में। तो यहाँ पर इसको काटना नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ब्रासल वो थोड़ा अंदर है, इसीलिए इसमें एक इंच का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन निपल में ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैं टेपल टप देकर यहाँ पे इसको दोस्तों लगा दूंगा। और फ्लांज जो है दोस्तों पूरा वाल के साथ में चिपक जाना चाहिए, तभी आपका जो है बाथरूम बिल्कुल अच्छा लगेगा। और फ्लांज जो है अंदर का टाइल्स के साथ में चिपकेगा तो क्या है बिल्कुल अच्छा दिखेगा, और यहाँ पर फ्लांज जो है बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एक को मैं लगाकर आपको दिखाया हूँ, और बाकी सबको मैं लगा देता हूँ। और अभी मैं आपको फटाफट इसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसका ओवरहेड शावर भी लगाऊंगा, और ये सब को जो है मुझे सीधा कर लेना है, लेवल कर देना है, क्योंकि जो है दोस्तों रिमूवेबल है, ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। अभी मैं आपको पानी भी जब चालू करूँगा तो इसको बताऊँगा इसको ऑपरेट करने का सही तरीका, जब नहाते समय क्या करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका ओवरहेड शावर को मैं लगा देता हूँ, अब देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल लगा दिया हूँ। स्पाउट और इसका बॉडी शावर सब लग चुका है। अब पानी चालू करने का बारी है, देखते हैं प्रेशर कितना आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले दोस्तों नीचे वाला जो हैंडल है इसको ऑपरेट करना है गर्म ठंडा, और वहाँ से उसको ऑपरेट करने के बाद में ये ऊपर वाला तीन बटन है यहाँ से आपको ऑपरेट करना है 1 2 3 करके। तो यहाँ पर इसको सेटिंग भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पानी चालू कर दूँ, देख सकते हो दोस्तों बॉडी गेट शावर जो है उसमें पानी आ रहा है सब में, और पानी का प्रेशर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो इसको
ऑपरेट करने के बाद उसके बाद में आपको ये करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, ऑपरेट करने पर यहाँ पे इसका जो है एरो जो बटन है इसको मैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे बटन के हिसाब से जब कंसील का आप काम करते हो तब उसके हिसाब से यहाँ पे इसको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक में मुझे यहाँ पे इसका जो एरो है देख कर मुझे इसको पुश करना है। आप देख सकते हो ऐसा रहेगा, क्योंकि एक में जो है स्पाउट है, दूसरा नंबर पर इसका बॉडी जेट है और तीसरा नंबर पर सावर है। एक एक को मैं आपको ऑपरेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे वाला जो है उसको ऑपरेट कर चुका हूँ। अब जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे बॉडी एट सावर में पानी आ रहा है, आप देख सकते हो कितना प्रेशर है पानी का। और तीसरा नंबर जब मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे ओवर एट सावर में पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। अब इसको मैं ऊपर की तरफ लूँगा तो ये तीन नंबर में जो है ओवर एट सावर आ रहा है, ऊपर इसको जैसे करूँगा बॉडी एट सावर में पानी आता है, आप देख सकते हो। ये सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे जब तीन को मैं तीन में ऑपरेट करूँगा यहाँ पे इसको, एक में जब ऑपरेट करूँगा तो स्पॉट में पानी आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितना शानदार लग रहा है ये बाथरूम, और नहाने में तो खास करके इसमें दोस्तों मज़ा आ जाएगा क्योंकि पानी का प्रेशर काफ़ी है। दोस्तों यहाँ पे इसमें प्रेशर पंप लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि ये जो है फिफ्थ फ्लोर का मंजिल का यहाँ पे घर है, तो ये जो है सेकंड फ्लोर पे है, तो तीन माले का ऑलरेडी प्रेशर के वजह से अच्छा प्रेशर से पानी आ रहा है। अगर दोस्तों प्रेशर हाइट कम होता है टैंकी का तो वहाँ पे आपको प्रेशर पंप इसके लिए लगाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे बॉडी जेट सावर का मैं लिंक, बॉडी जेट खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अमेजोन का, वहाँ से आप खरीद सकते हो जेट सावर अच्छे क्वालिटी का। यहाँ पर इसको मैं ऑपरेट करके और भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो तीन नंबर में जो आ रहा है यहाँ पर सावर में पानी आ रहा है, ये सावर में आप देख सकते हो ओवर हेड सावर, सीलिंग सावर से पानी आ रहा है रेन सावर के जैसा, कितना शानदार लग रहा है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद करने पर पूरा बंद हो गया। अब इसको जैसे आप ऑपरेट करोगे उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेट होगा, लेफ्ट में गर्म पानी आएगा और राइट में ठंडा पानी आएगा, आपको उसके हिसाब से हैंडल को ऑपरेट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।